देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली से नेता बन मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। जब से मुख्तार अंसारी पंजाब से बांदा की जेल में शिफ्ट हुआ है उसके रातों की नींद गायब हो गई है। वो जेल में कई रातों से सही से सो भी नहीं पा रहा है। एक तो यूपी की गर्मी और ऊपर से मच्छरों ने मुख्तार अंसारी के रातों की नींद को हराम कर दिया है। जी हाँ, पंजाब की जेल में कुछ साल बिताने के बाद मुख्तार अंसारी अब बांदा की जेल में मच्छरों से जूझ रहा है। आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया गया। खबरों के मुताबिक पंजाब से लौटने के बाद बांदा जेल में 2-3 रातें बिता चुके मुख्तार अंसारी को भी गर्मी ने परेशान कर रखा है। मुख्तार अंसारी को गर्मी भी चैन की नींद नहीं लेने दे रही है। पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है। यही वजह है कि 2019 से ही पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यहाँ गर्मी भी परेशान कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में तड़के बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस में सड़क मार्ग से पंजाब से बांदा जेल लाया गया। मुख्तार अंसारी के साथ पुलिस बलों का बड़ा काफिला था जो बाहुबली को लाने यूपी से पंजाब गया था। पुलिस के करीब 900 किलोमीटर की यात्रा की और 16 घंटे के सफर के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। इस सफर में पुलिस ने 3 बार रूट भी बदले। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप कराया गया जहाँ कोई गंभीर व्यवस्था समस्या सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी कड़ी निगरानी के बीच जेल में है जहां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है। मुख्तार पर हत्या समेत कई दर्जनों केस दर्ज हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।